घोड़े पर सवार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला अपने नाम किया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज के बारे में, जिसका पहला मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया है। टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 276 रन बोर्ड पर लगाए। भारत ने 276 रनों का लक्ष्य 48 ओवर में हासिल कर लिया। टीम इंडिया की तरफ से चार बल्लेबाजों ने आज अर्धशतक पारी खेली। टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। दोस्तों वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को इंदौर में खेला जाएगा। आज टीम इंडिया की तरफ से चार बल्लेबाजों ने अर्धशतक पारी खेली और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी रहे। दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।